हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एडवेंचर विद बॉय भैया। सो गाइज, आज एक नए दिन की शुरुआत एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे मंदिर में जो कि जंगल में स्थित है, जो है सूर्य देवी माता का। मैं और जोरो मंदिर के लिए निकले हैं, तो चलते हैं मंदिर और करते हैं अपनी माता के दर्शन। तो चलिए, आप भी मेरे संग आज इस मंदिर के दर्शन कीजिए। माता रानी सबका भला करेगी। तो दोस्तों, हम पहुंचे एक शॉप पे और चलते हैं वहां पे, तो इनसे लेते हैं पूजा का सामान। थोड़ा पूजा का सामान हुई। ये क्या चीज है? सिंगार का सामान। ये हमारे आ गई धूप, माचिस। ये आ गई माचिस और ये चावल है जो। अच्छा, ये चावल आ गए। अच्छा, तो भैया ने चाय पिला दी है, अब यहाँ पे चाय पी के जाएंगे। तो गाइस, पूजा का सामान ले लिया है, अब निकलते हैं मंदिर को, क्योंकि तो फिर टाइम बढ़ते जा रहा है, तो टाइमली पहुंच जाए तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ से गांव खत्म हो जाते हैं और जंगल स्टार्ट हो जाता है। जोरो, आप क्या देख रहे हो बेटा? क्या देख रहे हो? तो यहाँ से हमारा रास्ता जो है मंदिर के लिए जाता है, तो हमने यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लिया है। अब हम जंगल के अंदर एंटर हो रहे हैं और जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें फॉरेस्ट के लोग मिले हैं जिन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी है। चलिए, हम इनको भी ड्रॉप कर देंगे। तो गाइज, हम लोग जंगल को जा रहे थे, तो हमें यहाँ पे एक हेमा जी मिली हैं जो यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं। हेमा जी, आपको कैसा लगता है कि आप फॉरेस्ट के लिए काम कर रही हैं? बहुत अच्छा लगता है सर। हमारा मेन काम है होता है कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ को बचाएं और उनका संरक्षण करें। सो गाइज, आजकल चल रहा है फायर सीजन, तो फायर ड्रिल कैसे होती है एक बार जानने की कोशिश करूंगा। सर, जैसे वन मोटर मार्ग है सूर्य देवी मंदिर का, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 मीटर चौड़ी फायर लाइन काटते हैं और उसको जला देते हैं, ताकि भूलवश अगर किसी से आग लग भी जाती है तो वो जंगलों में आगे ना बढ़े और जंगलों को नुकसान ना हो। क्या हाल है? सब बढ़िया। एडवेंचर वीडियो देख रहे हैं? बस एडवेंचर ही चल रहा है मेरे भाई। भाई जी, वायर्स जो आपको दिख रही है ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। ये पूरी फेंसिंग है कि जानवर अंदर ना आए। ये वायर्स जो लगाई है, ये वायर्स मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसमें रात को करंट रहता है। वो ये दिख रही ना, इसमें कभी भी हाथी वो नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं ऐसे, क्योंकि ये चुभेगा। तो गाइज, हम पहुंच गए हैं नदी के पास, और ये मंदिर से पहले एक नदी पड़ती है। चले ठीक है, अभी हेमा जी को यहीं छोड़ देते हैं, हम लोगों को आगे जाना है। तो कुछ ही देर में हम लोग मंदिर में पहुंच जाएंगे, मंदिर के काफी करीब है। तो हम लोग पहुंच गए हैं माँ सूर्य देवी के मंदिर में। तो जो मेन बाबा जी हैं वो वहीं रहते हैं, उसी मंदिर में रहते हैं। तो बरसात में ये पूरा यहाँ तक पानी आता है, इसमें ऊपर तक, क्योंकि जंगल है, जंगल का जितना भी पानी है इसी नदी के थ्रू निकलता है। सो गाइस, पूजा अर्चना हो चुकी है यहाँ पे सभी लोग, क्योंकि नवरात्रि भी बहुत करीब है, नवरात्रि भी आने वाली है। देखो, जोरो की थोड़ा तबीयत खराब थी, तो वो अपने आप, देखो जानवर अपने आप अपना इलाज करता है, वो घास खा के अपना इलाज कर रहा है। अगर उनके पेट में दर्द हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, इंटरनल प्रॉब्लम हो, तो ये लोग घास खाना शुरू कर देते हैं। तो ये 2 दिन से खाना नहीं खा रहा, इसको भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो ये इसने अपना घास खाना शुरू कर दिया। ये इनकी दवाई होती है, इससे अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो गाइस, कुछ छोटे भाई लोग अपने यहाँ पे मिले हैं, इसी मंदिर में मुझे ये लोग मिले, तो बड़ा अच्छा लगता है अपने छोटे छोटे भाइयों को देख के। इस तरीके से ये लोग मिलते हैं तो एक बड़ी खुशी मिलती है। vibes,
चलिए पूजा अर्चना हो गई है, मंदिर में दर्शन हो गए हैं, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि धूप काफी बढ़ती जा रही, जोरों काफी गर्म लग रहा है, तो यहाँ से निकलते हैं और पहले सबसे पहले जोरों कहीं ठंडे ठंडे पानी में नहलाते हैं। मेरा टाउल है, जोरो मेरा टाउल है, आपका है, चलो आपका 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 लो, आप ले लो। मुझसे ना टाउल छीन रहा कि मेरा टाउल दो मुझे वापस करके। अरे अरे अरे, ये फाड़ने में थोड़ा है। काफी गर्मी पड़ी है, जोरो को नहला दिया है, अब मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ आ गया हूँ। अंदर जंगल के अंदर काफी जंगली मुर्गे हैं जो हमारे आस पास ही घूम रहे हैं, तो उनके पाँव की आवाज आ रही है, तो थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा गर्मी कम होगी तो आगे बढ़ेंगे। ये इतना घना जंगल है, यहाँ पे हाथी काफ़ी हैं, और ये देखिए पेड़ हाथी ने तोड़ रखा, हाथी का गोबर यहाँ पड़ा हुआ है पूरा, ये हाथी का गोबर है, सूखा हुआ है, ड्राई है, ये एज अ फ्यूल के काम करेगा, जंगल में कभी हमें आग जलानी है, लंबे टाइम तक खाना बनाना है, तो ये हमारा फ्यूल की तरह काम करेगा यहाँ पे। मुर्गे की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, और काफ़ी रात को आने लायक जगह नहीं है, जोरों भी सचेत हो चुका है, बहुत पास में ही मेरे जंगली मुर्गा है। सो गाइज, मैगी बनके हमारी रेडी हो चुकी है, अब थोड़ा थोड़ा मैगी खाते हैं और फिर यहाँ से समय पे निकलते हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि मैगी कैसी बनी है। वाओ, मैगी थोड़ा शॉर्टकट है, जंगल में आपके पास कुछ नहीं है तो शॉर्टकट में हम लोगों ने मैगी रख ली थी मॉर्निंग में, हमने यहाँ आग जलाई थी, मैं चाहता हूँ कि इस आग को हम बुझा दें पानी डाल के, क्योंकि फायर सीजन है, कहीं भी आग लग सकती है, इसको सही तरीके से आप आग को बुझा दें। जंगल में कभी भी आग जलाते हैं तो पहले अपनी आग को तरीके से बुझा दीजिए, क्योंकि फायर सीजन चल रहा है, जंगलों में पतझड़ का मौसम है, आग फैल सकती है, इसलिए कोशिश ये करें कि अच्छी तरह पानी से इस आग को बुझा दें। जोरों के लिए तो मैं मट्ठा लेके आया था, मैंने उसे मट्ठा पिला दिया है, और थोड़ा सा उसका अपना डॉग फूड था वो मैंने उसे खिला दिया, और फिलहाल मैं मैगी खाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। गाइज, मैगी बनाई थी, नीचे लग चुकी है और ये काला हो चुका काफ़ी, तो ये देखिए आप, तो कभी भी आप जंगल में फंस जाएं, आपके पास साफ करने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको सिर्फ सैंड लेनी है। अब एक बार मैं इसको ड्राई वॉश करूँगा, ये सैंड है, ये सैंड को मैं इसको धोने में यूज़ कर रहा हूँ, ये फिर से स्टील की तरह चमक गया है, अब मैं इसको वॉश कर लूँगा। हमारा काम हो चुका है, अब निकलते हैं यहाँ से टाइमली। आप कभी भी जंगल में आते हैं तो जहाँ भी आप अपना पिकनिक मनाते हैं, चाहे खाना खाते हैं, चाहे जो भी करते हैं, जैसे आग मैंने आपको बुझाने को बोला, आपने आग बुझा ली, उसके बाद अपना जितना भी कूड़ा होता है आप यहाँ से लेके जाएं, यहाँ कुछ भी कूड़ा छोड़ के ना जाएं, क्योंकि ये कूड़ा जानवरों के लिए बहुत रिस्की हो सकता है, पॉलीथीन आपकी बहुत रिस्की हो सकती है। तो चलिए, सारा सामान हमने रख लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं। तो जंगलों में इतने पत्ते गिरे रहते हैं आजकल, क्योंकि फायर सीज़न है और पतझड़ का टाइम है, लेकिन काफ़ी आगे हमें जाना है। जंगल में आते हैं थकान तो होती है, बट ये है कि आदत हो गई है अब जंगलों में आने की। तो दोस्तों, आपको मैं इस जंगल के अंदर एक बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ लेके आया हूँ, क्योंकि मैं भी खुद कई सालों बाद यहाँ पे आया हूँ। इस जंगल के अंदर एक बहुत खूबसूरत सा घर बनाया गया था, तो आपको भी मैं दिखाता हूँ आज वो घर, आइए मेरे साथ। All about the good vibes. Let's have a drink.
ये है जंगल का घर यानी कि ट्री हाउस। सो गाइज मैं आपको एक बार ट्री हाउस का पूरा टूर दे दूं कि ट्री हाउस कैसे बनाया गया है, अंदर से कैसा है। चलिए देखते हैं एक बार ट्री हाउस। ये इसमें स्टेयर्स बनाई गई थी, ये पूरा साल का बना हुआ है। चलिए एक बार चलते हैं डेक पे इसकी। पहले ये पहली डेक आ चुकी है। ये लकड़ियाँ दीमक ने भी खा दी, काफ़ी रिस्की भी है। ये चारों तरफ इसके खाई बनाई गई है क्योंकि हाथी इसे नुकसान ना पहुँचा पाए, क्योंकि हाथियों ने कई बार इसे तोड़ दिया है। हर कदम बड़े संभल के रखना पड़ेगा। इसकी लकड़ी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है क्योंकि काफ़ी सालों से इस पर इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है। फिर भी चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। साल के पेड़ पे ये बना हुआ है, पूरा साल का पेड़ है। इसके अंदर भी बड़ा संभल के जाना पड़ेगा, सांप कीड़ों का भी काफ़ी डर है। एक बार इसी खिड़की से दिखाऊँ, ये मेरी गाड़ी खड़ी है। इस तरीके से ये बना हुआ था, इसमें मच्छरों से बचने के लिए जालियाँ भी लगी हुई थी। मैं दिखाता हूँ आपको, अगर काम कर रही है। ये देखिए पूरा नेट लगा हुआ है इस पर, और सारी विंडोज़ थी, चारों तरफ विंडोज़ थी, वेंटिलेशन के लिए था। अगर आपको यहाँ से जानवर देखना है रात को, इसके अंदर से भी आप वॉच कर सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने बंद किया, अगर जानवर नीचे खड़ा है तो आप हल्के 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 जानवर को इस तरीके से देख सकते हैं। तो गाइज़ ये था ट्री हाउस जो मैं आपको दिखाना चाहता था। अब मुझे काफ़ी नीचे जाना है। तो गाइज हम लोग जंगल से निकल के बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पर खूबसूरत गांव है, एक बार आपको गांव दिखाता हूँ। Dance until it feels alright all night, we're all about the good.